नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कूलर के वाटर पंप का उपयोग करके एक मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर बना के दिखाने वाला हूँ, जिसके जरिए हम लोग आज पानी के जरिए इस कूलर के वाटर पंप से बिजली पैदा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, हमारे पास एक कूलर का वाटर पंप पड़ा हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैप लगा हुआ है और पीछे की ओर भी कैप लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसके कैप को हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे, बाहर हटा लेंगे। देखिए, इस तरह से निकल गया। अब ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग इस तरह से घुमा के अंदर का जो मैग्नेटिक पार्ट है, रोटर वाला पार्ट, वो निकाल लेंगे। देख सकते हैं, ये है शाफ्ट और ये है इस वाटर पंप का रोटर। देखिए, ये मैग्नेट का बना हुआ है। ये मैग्नेट मूव करता है जब इसके अंदर में 220 वोल्ट हम लोग सप्लाई देते हैं, तो एज ए पंप की तरह काम करता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस मैग्नेटिक रोटर को हम लोग पानी के जरिए घुमाएंगे और फिर बिजली हम लोग पैदा करेंगे। और हालांकि ये देख सकते हैं, जो कूलर का वाटर पंप होता है, ये वाटर प्रूफ रहता है। तो आप इसे अंडर वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर बना भी सकते हैं। इसको अगर पानी के अंदर भी हम लोग डाल दें तो इसमें कुछ खराबी नहीं आएगी। देखिए, ये जो पीछे कैप लगा हुआ है, इसे मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। ये पूरी तरह से सील रहता है, देख सकते हैं, कहीं भी पानी जाने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो इसको पानी के अंदर भी आप लोग डाल के यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे एक साइकिल का स्पोक लेंगे। देख लीजिए, इस तरह का स्पोक हम लोगों को ले लेना है। उसके बाद इस स्पोक को हम लोग इस मैग्नेटिक रोटर जो देख रहे हैं, इसके साथ में यहाँ पे ऐसे इस तरह से अटैच कर देना है। ये ढीला जा रहा है, तो फिर इसे हम लोग सुपर ग्लू की हेल्प से अच्छे से चिपका लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से इस स्पोक के साथ में ये मैग्नेट रोटर फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा वाशर की तरह पेन का कटा हुआ पार्ट यहाँ पे देख लीजिए, ये लगा देते हैं शाफ्ट के साथ में, ताकि ये शाफ्ट घूमते वक्त बाहर ना आए। अब ये वाला जो कैप है, इस वाले भाग को हम लोग इसके शाफ्ट में इस तरह से लगा देंगे। अब लगाने के बाद यहाँ पे हम लोगों को इसे फिक्स कर लेना है अच्छे से। तो दोस्तों, ये इस तरह से फिक्स हो चुका है। अब ये देखिए, फ्रीली ये जो शाफ्ट है, ये मूव कर सकता है। अब दोस्तों, इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रोपेलर बनाने के लिए हम लोग एक मेटल शीट को लेंगे और मेटल शीट में हम लोग एक 3 इंच डायमीटर का एक सर्कल बनाएंगे। उसके बाद इसके बीच में हम लोग 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लेंगे। अब दोस्तों, इस मेटल शीट में हम लोग स्केल की हेल्प से हम लोग टोटल 8 लकीर यहाँ पे खींचेंगे। प्रत्येक लकीर 45 डिग्री के एंगल पे होगी और यहाँ पे टोटल 8 ब्लेड यहाँ पे बनेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको इस मेटल शीट में कुछ इस प्रकार से मार्क कर लेना है। अब इसके सेंटर में हम लोग ड्रिल मशीन की सहायता से इसे होल कर लेंगे। अब दोस्तों, इस मेटल शीट को हम लोग इस मेटल कटर की हेल्प से जहां जहां पे लकीर आप देख रहे हैं, वहां वहां हम लोग कट करके ब्लेड की शेप इसे दे देंगे। तो दोस्तों, हम लोगों का ये टर्बाइन का ब्लेड बन चुका है। अब इस टर्बाइन के ब्लेड को हम लोग इस शाफ्ट के साथ में माउंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नट को लगा लेंगे। उसके बाद इस ब्लेड को इसके साथ में हम लोग अटैच करके नट की हेल्प से टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों का ये मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर बन के तैयार हो चुका है। और मैं आपको एक चीज़ दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने मल्टीमीटर ले लिया है, इसे 200 वोल्ट एसी के रेंज पर रखा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ इसकी टेस्टिंग करने से पहले। तो इस मीटर के साथ में मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ और जब इसके शाफ्ट को हम लोग घुमाएंगे, ये जो ब्लेड है पानी की धार से घूमेगा, तो ये शाफ्ट घूमेगा और जिसके जरिए बिजली पैदा होगी। देखिए, इतना धीमा घूमने से भी देख सकते हैं यहाँ पे आराम से 17, 18, 15 वोल्ट देखिए प्रोड्यूस हो जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे लेके चलते हैं नदी में और फिर आपको इसे टेस्ट करके दिखाते हैं।